पर दूसरा देखिए आप, इसमें दे रखा है कि देव हुए श्रेणी का योगफलों को ज्ञात करना। अब योगफल ज्ञात करना, कितने पदों का योग ज्ञात करना, ये इसमें नहीं दिया है अपन प्रश्न में, ठीक है। तो कितने पदों का योग ज्ञात करना, ये तो एन तो अपन इससे ज्ञात करें, एन नहीं दिया तो एन इससे निकल जाएगा, ठीक है। और योग जो ज्ञात करेंगे इससे निकल जाएगा, इस फार्मूले से अपने पास एन बाई टू ए प्लस का एल, यानी जितने पद का योग ज्ञात करना वो एन आ जाएगा अपने पास। पहला पद जो रहेगा उसको ए मान लेंगे, और अंतिम पद दिया है इसमें, अंतिम पद को अपन क्या मान लेंगे, लास्ट, ठीक है। में जो संख्या दी हुई रहेगी उसको मान लेंगे अपन, एल मान लेंगे अंतिम पद को। तो देखिए सीरीज देखिए, 7 प्लस का 10, 1 बटा 2 प्लस का 14 प्लस का डेश प्लस का 84। तो अब यहाँ पर देखिए, पहला पद अपन को दे रखा है, ठीक है। कितने पदों का योग ज्ञात करना, ये इसने नहीं दिया, कितने पदों का योग ज्ञात करना वो एन है, तो एन किससे निकलेगा, इससे निकलेगा अपने पास, ठीक है, एन पदों से। तो अंतिम पद जो एन को अपन क्या मान सकते हैं, अंतिम पद भी मान सकते हैं, तो एन बराबर अपने पास कितना, 84 दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एन अपने पास है कितना, 84, ए कितना है, ए बराबर है 7। अब ज्ञात करेंगे डी, डी के लिए क्या करेंगे, पहले इस वाले दूसरे पद में से पहला पद को क्या करेंगे, घटाएंगे इसको, तो ये 10 दूना 20, 20 हो रहा है, 21 बटा 2 है अपने पास, इसमें से घटाएंगे 7, बटे में कुछ नहीं तो एक, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक लिखते हैं। तो d बराबर होगा 21 एकम 21 माइनस का 7 दूनी 14 बटा 2 एकम 2, तो d बराबर आया अपने पास 7 बटा 2, ठीक है। तो अब n ज्ञात करेंगे, यानी कितने पदों का योग ज्ञात करना, तो n ज्ञात करने के लिए कौन सा, nवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे, तो an बराबर a प्लस का एन माइनस वन और डी। तो ए एन अपन किसको मान चुके, लास्ट पद को, यानी कि श्रेणी में जो लास्ट पद है उसको अपन ने ए एन मान लिया, तो ये 84 हो गया अपने पास। बराबर ए किसको माना, 7 को, ये 7 लिख दिया। एन कितना, एन ज्ञात करना ऐसा कैसे, और डी कितना है, 7 बटा 2। तो 84 इस 7 को अपन इस साइड लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर एन माइनस वन और 7 बटा 2। तो अब इसमें से 7 माइनस करेंगे अपन, तो 14 में 7 गया, कितने बचे, 7, और ये 7, 77 बचे अपने पास, बराबर n माइनस वन 7 बटा 2। तो बेटा इसको काट सकते हैं यहाँ से, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 एकम 7, यानी 11 बराबर n माइनस वन बाई 2, इस 2 का इंटू इसमें करो, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक लिखो। तो अब 11 दुना 22, ये हो गया 22 अपने पास, बराबर n माइनस वन, ये 1 इस साइड आएगा, तो 22 प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर तुम्हारे पास कितना हो गया, 23, यानी 23 पदों तक का योग ज्ञात करना, कितने पदों तक का, 23 पदों तक का। तो अब अपने पास सूत्र में ये रहा एस एन बराबर n बाई 2 ए प्लस का l, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करो, n की जगह पे कितना पुट करेंगे, 23, तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस का एल, तो एस एन ज्ञात करना है, एन कितना है तुम्हारे पास, 23, तो 23 रख दिया, बटे में 2, ये 2। अब ए कितना है, 7, ये 7। अब अंतिम पद कितना, एल बराबर अपने पास 84, 84, ये 84, 23 बटा 2, 91। तो एस एन बराबर, अब इन दोनों का इंटू करो, क्या करो, इंटू करो, 91 का इंटू 23 से करो, 3 वन ज़ा 3 और ये 27, 2 9 टू ज़ा 18, 3 9 10 और ये आ जाएगा अपने पास आया 2093 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आया अपने पास, कितने पदों का योग आया अपने पास, 23 पदों का योग। तो अब इसको जैसे सवाल में इस प्रकार से दे रखा, तो इसको भी अपन को इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो आप इसको करिए, आप इसे डिवाइड करिए उसको 2 से, ऊपर से 9, 2 4 दा, ऊपर से 3, 2 6 दा, 12 बचा 1, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं,
टू यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ पर और इस वन को ऊपर, ये आंसर है अपने पास। प्लस का 30 डेड 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 प्लस का 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुमको एन दे रखा है लास्ट पद अपने पास, ठीक है। ए दे रखा है आपको, डे से निकल जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अब एन ज्ञात करना, एन ज्ञात करेंगे तभी तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपन एन की। तो यहाँ पर एन बराबर ए प्लस का एन माइनस वन वाला फॉर्मूला आएंगे। एन कितना है, एन बराबर है अपने पास 10, और ए बराबर कितना है 34, और डी छोटी संख्या में तो बड़ी संख्या माइनस हो रही है, 32 में से 34 जाएंगे कितना होगा, माइनस का 2 बचे अपने पास, ठीक है। तो ए एन की जगह रखो यहाँ पर 10, ए की जगह रखो 34, प्लस एन ज्ञात करना तो एन ऐसा कैसे ही माइनस का 1 और डी की जगह माइनस का 2, तो 10। तो अब इस 34 को इस साइड लाइए आप, तो 10 माइनस का 34 बराबर एन माइनस का 1 और माइनस का 2। 34 में 10 जाएंगे कितने बचेंगे, और बड़ी संख्या है अपने पास 34, तो माइनस का 24 बचे अपने पास, एन माइनस 1 माइनस का 2। तो अब चाहो तो यहीं से डायरेक्ट काट दो इसको, माइनस से माइनस, और 2 से काटेंगे 24 को कितना आएगा 12, तो 12 बराबर एन माइनस का 1। अब ये एन 1 इस साइड आएगा तो 12 प्लस का 1 हो जाएगा एन, तो एन बराबर क्या है अपने पास 13। तो 13 पदों तक का योग ज्ञात करना अपन को, एन अपन को मिल चुका है, एन कितना है 13, ठीक है। तो अब इस फार्मूला का यूज़ कीजिए आप, एस एन यानी कि 12 पदों तक 13 पदों का योग, एन कितना है 13, ये 13 बटे में 2, ए कितना है तुम्हारे पास 34, ये 34। अब एल एल तुम एन को ही मान सकते, अंतिम पद जो तुम्हारे पास कितना है 10 है, तो ये 10 लिखिए आप, एस 13 बराबर जो है 13 बटा 2, दोनों को प्लस करो कितना हो रहा 44, कट रहा है 22 बार, तो 13 में 22 का गुणा करो, इंटू करो, ऐसे करो 26 और यह आ जाएगा 26, 6 8 2, यानी एस 13 बराबर आया 2 8 6, यानी 13 पदों तक का जो योग आया अपने पास वो 286 आया, यही अपना आंसर है।